नौतनवा क्षेत्र में नौजवानों को मिनी स्टेडियम सौंपे केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी। आपको बता दें कि नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरवा कला गांव में नव निर्मित महंत बाबा अवैधनाथ मिनी स्टेडियम का शुभारंभ आज शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं विधायक रवि त्रिपाठी ने किया। मिनी स्टेडियम में अलग अलग खेलों के कोर्ट बनाए गए हैं। स्टेडियम में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, मैराथन आदि खेलों की सुविधाएं हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत बनाए गए इस स्टेडियम में 300 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। स्टेडियम का लोकार्पण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ी और बच्चों से मिलकर उनसे हाथ मिलाकर उनका उत्साह वर्धन भी किया और नौजवानों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। खेल मैदान के लोकार्पण अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित के कार्यों कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान स्थापित होने से युवक एवं युवतियों को खेल में बढ़ावा मिलेगा और बड़ा स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पहुंचकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन भी करेंगे। विधायक रवि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से ही युवाओं के खेलकूद और शिक्षा को लगातार गति मिल रही है। खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश की सरकार शहर से लेकर गांव स्तर तक स्टेडियम निर्मित कर रही है ताकि गांव के युवा भी अपनी प्रतिभा को देश स्तर तक प्रोत्साहित कर सके। सीडीओ गौरव सिंह सुगरवाल और ब्लॉक प्रमुख राकेश मतेशिया ने वित्त राज पंकज चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीण स्तर पर युवाओं को खेलकूद से जोड़ने की पहल सराहनीय है। कार्यक्रम का संचालन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, बीडीओ अमरनाथ पांडे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शशिकांत, चेयरमैन गुड्डू खान, भाजपा नेता प्रदीप सिंह, बबलू सिंह, जितेंद्र जायसवाल, समीर त्रिपाठी, महेंद्र जायसवाल, बच्चूलाल चौरसिया, ब्रजेश मणि त्रिपाठी, नवनीत त्रिपाठी, संजय सिंह समेत सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन हुआ है, कितना लाभ मिलने वाला है इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों? देखिए, भारत कहीं ना कहीं आज बहुसंख्यक नौजवानों का देश है और नौजवान हमारे फिट नहीं होंगे तो देश के कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कहीं ना कहीं खेलो इंडिया के तहत जहां मोदी जी ने पूरे देश को खेल के प्रति जोड़ने का प्रयास किया, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी ऐसे जमीन मिले कम से कम ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम हो, जो उस स्टेडियम में सभी सुविधाएं हो, एथलेटिक्स का भी ट्रैक हो, बैडमिंटन का भी कोर्ट हो, बास्केटबॉल का भी कोर्ट हो, ऐसे सभी चीज़ों की व्यवस्था हो ताकि नौजवान जो शहर जाकर के खेलने में अक्षम है वो कम से कम गांव में रह करके अपने खेल की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। जनपद में इस प्रकार के सभी ब्लॉकों में जमीन चयन कर लिया गया है। 8-9 स्टेडियम करीब करीब बन के तैयार है और बहुत जल्द ही 12 ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और बहुत से गांवों में खेल मैदान और नरेगा पार्क के रूप से जो हमारी माँ की माताओं बहनों बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके उसका भी निर्माण हो रहा है। आने वाले दिनों में इसे कितना फायदा मिलेगा युवाओं को? देखिए, निश्चित तौर से नौजवान जो गांव में रह करके और बेचारे खेलने को उनका अवसर नहीं मिलता था, अपना प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता था, आज कहीं ना कहीं इस खेल के मैदान में आकर अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे जिले के भी बच्चे जाकर कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे और देश लेवल पे खेल का प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।